हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्ष ने मंडी लोकसभा के सांसद की मौत का मामला सदन में उठाया और सीबीआई जांच करवाने की मांग की, जिस पर स्पष्ट जवाब नहीं मिलने से विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। नोटिस का मतलब ये हुआ कि सघन की आज कोई कार्यवाही नहीं होगी, इस पर जो है डिटेल में चर्चा की जाएगी। डिटेल में चर्चा करने की ये जरूरत है, पिछले 17 मार्च को हमारे जो सांसद थे मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के श्री रामस्वरूप शर्मा जी, उनकी बड़े रहस्यमय ढंग से जो है उनकी मृत्यु होती है। उस मृत्यु के अंदर आज तक जो है क्राइम ब्रांच जो है दिल्ली पुलिस का जो काम कर रहा है अभी तक कॉल डिटेल नहीं मालूम कर पाई, और दूसरे उसके फॉरेंसिक लैब की जो डिटेल है वो भी नहीं मिल पाई। तो हम तो सिर्फ अपने माने मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते थे कि सीबीआई जांच के लिए आप रिकमेंडेशन भेजी नहीं यहाँ से, जबकि उन्होंने कहा है, उनका वक्तव्य हुआ था 19 तारीख को मार्च में, उन्होंने ये कहा था कि अगर परिवार वाले चाहें जरूरत महसूस होती है हिमाचल के लोगों को, तो यहाँ पक्का जो है हम जो है सीबीआई की जाँच की रिकमेंडेशन देंगे। हिमाचल की जनता, मंडी पार्लियामेंट के लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे सांसद जो कि लोकप्रिय सांसद थे, हमारे भी वो काफी करीब थे, हमारे लोकल वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक होनी थी उसी हफ्ते, उन्होंने उस बारे में मेरे से चर्चा की कि हम अगले हफ्ते बैठक कर रहे हैं, आपके पास समय है, मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा अगले हफ्ते। तो इस बीच में ऐसी हत्या होना मेरे ख्याल बिल्कुल आशंका पैदा करती है। और इस पे हमने चर्चा स्थगन प्रस्ताव में होता कि सारे काम को रोककर जो हमने नोटिस दिया है उस पर तुरंत जो है चर्चा होनी चाहिए। एक सांसद, वो भी सिटिंग सांसद की मृत्यु हुई, उसके बारे में जांच नहीं हो रही है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। इस मुद्दे को लेकर आज हम विपक्ष ने जो है ये नोटिस भी दिया था, उसकी चर्चा मांग रहे थे।